तफसीली दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये भी मुकदमा 13वां सनम जावेद के खिलाफ जाली मुकदमा था। रुक जाओ, किसी ने सुनो, सुने, रुक जाए, देखें, और सारे का सारा सब करते हैं। और अब सनम जावेद बाजाबता तौर पर आप समझते हैं रिहा हो गई है। जब सब सनम जेल से निकली, जिस मुकदमे में इसको जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया या जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, अब भी इस्लामाबाद पुलिस ने कल जाके गुजरांवाला से अरेस्ट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम सनम जावेद को अभी लेके बाहर निकल रहे हैं और कोई सनम जावेद को पुराने पैटर्न के मुताबिक अरेस्ट नहीं करने आया, यही हमारी उम्मीद है। नहीं, ना ही हम यहाँ से जल्दबाजी में भाग रहे हैं, ना ही हम कहीं जा रहे हैं। सनम जावेद ने 15-16 महीने जिस तरह का अपना रेजिस्टेंस या दलेरी से, बहादुरी से, स्माइल दे के मुंह पे जिस मुकदमे का सामना किया है, जिस तरह इन मुकदमा का सामना किया, कतई तौर पर भी इसका करेक्टर आपके सामने डिफाइन हो गया कि ये बुजदिल खातून नहीं है। और बड़ी ही जवां मर्दी से, बड़ी ही इज्जत से और बड़ी बहादुरी से, और पाकिस्तान के लिटिगेशन की तारीख में ये वाहिद खातून है जो इस उम्र में जिसको सबसे ज्यादा विक्टिमाइज किया गया, और ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून है जिससे इस उम्र में जिस तरीके से, ऑनरेबल तरीके से, इंतहाई मुअज्जिज़ तरीके से, इंतहाई दिलेरी से मुकदमा का सामना किया, ये अपनी मिसाल आप है। हम समझते हैं कि इसी तरह जिस तरह सनम जावेद खान है, इसी तरह जो बाकी खवातीन है, मैं बार बार कह रहा हूँ खवातीन है, ये हमारी सबकी सांझी माएँ, बहनें, बेटियां और बीवियां हैं। बराए मेहरबानी डॉक्टर आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जितनी खवातीन है, बाकी जो खवातीन है, जितनी खवातीन है, इनको इसी तरह सनम जावेद की तरह फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। आपसे हमारी गुजारिश ये होगी कि आज बहुत ज्यादा तफसीलन सनम जावेद से सवाल जवाब मत कीजिएगा, चंद एक सवाल कर लें उसके बाद दे दिया है। और अब सनम जावेद साहिबा जो हैं घर के लिए रवाना हो रही हैं। इमरान सनम क्या कहेंगी जो देखने वाले, उनके पैगाम दे दें आप। बस इंशाल्लाह जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते, हम वहीं खड़े थे जहां 14 महीने बाद भी खड़े। ठीक है, बहुत पहले भी वहीं खड़े। बहुत शुक्रिया जी सनम जावेद। ये आप देख रहे हैं कि सनम जावेद इस वक्त रवाना हो चुकी है अपने घर की जानेब, ये रिहाई हुई है, ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनको मैडम क्या कहेंगी मैडम, मैंने कहा था चले चले प्लीज रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे, पीछे वाला बंदा दे। दे दिया है और अब सनम जावेद साहिबा जो हैं घर के लिए रवाना हो रही हैं। इमरान सनम क्या कहेंगी जो देखने वाले, उनके पैगाम दे दें आप। बस इंशाल्लाह जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते, हम वहीं खड़े थे जहां 14 महीने बाद भी खड़े। ठीक है, बहुत पहले भी वहीं खड़े। बहुत शुक्रिया जी सनम जावेद।
ये आप देख रहे हैं कि सनम जावेद इस वक्त रवाना हो चुकी है अपने घर की जानिब। ये रिहाई हुई है, ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनको